जहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ महाराष्ट्र कानून साज असम्बली के रुक रुकन अबू आसिम आज़मी और समाजवादी पार्टी लीडर हैं हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राज ठाकरे ने आज़ान को लेकर लाउड स्पीकर को लेकर जो सियासत शुरू कर रखी है आप भी जो है वह महाविकास आगाड़ी के एक हिस्सा है आपने जो है वो समर्थन दिया है इसके बावजूद जो रियासती हुकूमत है उसके खिलाफ वर्ग लाने नौजवानों को भड़का भड़काने इश्त मिलाने का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया अब तक ना तो कुछ कार्रवाई हो रही है और मुसलसल जो है वो गुंडागर्दी जो है बढ़ रही है एम के गुंडे जो है वो जाकर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कार्रवाई का डिमांड करेंगे देखिए सबसे बड़ी हमारी गलती यह है कि हम माइनॉरिटी में हैं अकलीत में हमारी तादाद कम है सारे लोग चाहे सरकार में बैठे हों चाहे विपक्ष में लोग हों ये सब के सब ये चाहते हैं कि मजारिटी कहीं नाराज़ ना होने पाए मैं नहीं समझता कि मेजॉरिटी से नाराज़ होगी मेजॉरिटी इस देश की हिंदू मुस्लिम की एकता चाहती है लेकिन सारे लोग ये जुड़े हैं वोट बैंक अपना बनाने के लिए ऐसे इशू लाते हैं ऐसे इशू लाते हैं जो सिर्फ नफरत भरा हो अब प्रधानमंत्री ने कश्मीर फाइल को ख़ुद प्रमोट कर रहे हैं उस कश्मीर फाइल को देखने से हमारा हिंदू भाई मुसलमानों पे नाराज़ होता है तलवार देने के निकलता गाली देता है तो अगर प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो और ये फिल्म देख के लोग झगड़ा करें तो फिर बचाएगा कौन देश को ये सब गलत गलत फिल्में बना कर रिश्ता कर रहे हैं मेरा कहना है कि देश में कानून बड़ा है जमहूत यहाँ पर है हर व्यक्ति को हर जात हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म पर चलने का पूरा का पूरा अधिकार है कोई आज नया लाउड स्पीकर नहीं लगा स्पीकर सदियों से चला आ रहा है सदियों से लगा हुआ है यही नहीं पूरी दुनिया में मस्जिदों में लाउड स्पीकर से आजान हो रही है बहुत जगह पर लेकिन अब इलेक्शन आया ना तो ऐसे इशू लाते हैं छोटे भैया लोग जो बेचारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है उनको कोई जानता नहीं है उनके कोई नगर सेवक चुन के नहीं आता कोई एम एल ए चुन के नहीं आता तो ये लोग मुसलमानों के कंधे पर चढ़ कर राजनीति कर रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं मैं मांग करता हूँ कि चाहे कोई भी धर्म हो किसी सबको अपने अपने धर्म पर चलने की पूरी की पूरी इजाज़त होना चाहिए हमने देखा कि कई लोगों ने अपने मंदिरें खोल दिया नमाज़ पढ़ने के लिए कई लोगों ने अपने यहाँ इफ्तार कराया मुसलमानों को कई मुसलमानों ने हिंदू भाइयों को अपने यहाँ खाना खिलाया और उनकी जो है कोविड में जब उनकी लाशें को जलाने को नहीं था तो मुसलमानों ने अपने कंधे पर लिया के जलाया ये एकता है देश के ये देश की एकता है लेकिन कुछ लोग इतने छोटे हैं इतने छोटे हैं छोटी सी असम्बली और नगर सेवक चुनने के लिए मेरे देश की एकता को बर्बाद कर रहे हैं मैं ऐसे लोगों के खिलाफ कहना पूरा देश खड़ा होना चाहिए और देश में एकता होना चाहिए मुंबई से करीब डोंबिवली में भी तराबी को रोका गया इस तरह से बात हो रही है जिस तरह से एक बिल्डर ने जो है फरमाइस में तरावी पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जिसके बाद में वहाँ का माहौल कशीदा हो गया कुछ लोगों ने शिकायत भी की तो इस सिलसिले में क्या किया नहीं देखिए ऐसा है कि ये डोम के अंदर लोढ़ा पल्लवा सिटी है जी। ये लोधा जो है ना बिल्डर हैं लेकिन ये बहुत ही बड़े सांप्रदायिक आदमी हैं ये जब भी असम्बली में खड़े होते हैं ना इनके पास कोई मुद्दा नहीं सिवाय हिंदू मुस्लिम आतंकवाद पाकिस्तान उत्तर भारती यही सब बातें करते हैं ये तो वहाँ पर दो सौ फ्लैट है मुसलमानों के और आपको मालूम है कि आदमी अपनी नमाज नमाज तो मस्जिद में पढ़ना चाहिए जमात से ये मुसलमानों के लिए हजूर का फरमान है शरीयत में है लेकिन अगर मजबूरी है तो आदमी घर में पढ़ लेता है अगर मस्जिद नहीं है तो लेकिन तरावी की नमाज़ जो है ना ये ज़रूरी है जमात से पढ़ना अकेले तरावी नमाज़ कोई पढ़ता नहीं है तो वहाँ मुसलमानों ने उस जगह पर उस लोधा पलावा में जो एक जगह बनी हुई है सोशल कामों के लिए वो जगह वहाँ पर दिवाली में फंक्शन होता है अपना होली में फंक्शन होता है गणपति का फंक्शन होता है यानी हर तरह का फंक्शन उसमें होता है शादी ब्याह भी होती है मुसलमानों तो ने वो जगह उसी सोसाइटी से भाड़े पे मांगा और काना पढ़ेंगे दे दिया उन्होंने भाड़े पे मिल गई पुलिस को लेटर भी दे दिया कभी अन पढ़ाए पुलिस का कोई बात नहीं पढ़ी आप लोग दो नमाज़ हुई उसमें तीसरे दिन कुछ वहाँ के लोकल गाँव के लोग आए और उन्होंने सोसाइटी ग्रहों का अगर आप मुसलमानों को नमाज पढ़ने देंगे तो हम आपको यहाँ पर आपके साथ सख्ती से निपटेंगे और जो जो वहाँ पर टेंट लगाया टेंट वालों का टेंट उखाड़ दो यहाँ पर क्या मतलब है डर गए लोग और बेचारे जो जो सोसाइटी वाले जिन्होंने परमिशन दिया उन्होंने कहा भैया हम झगड़ा लड़ाई नहीं चाहते हैं नमाज बंद कर दो नमाज़ बंद हो गई क्या करें ऐसी चीज़ें करके नफ़रत फैलाना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक नहीं है आज मुंबई पुलिस कमिश्नर और होम मिनिस्टर और आप भी जो है वो इस मीटिंग में शामिल रहे और मुंबई शहर का जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश की जा रही है एक साजिश के तहत जो मुसलमानों को निशाना बनाने की जो साजिश की जा रही है जिस तरह से मसाजिद के लाउड स्पीकर के मामले पर तो क्या पूरा मामला था और क्या मीटिंग में फ़ैसला लिया गया नहीं नहीं मैं उसमें नहीं था मैं तो ख़ुद मिलने गया था एक दो मसले पर शानपाड़ा मस्जिद की जो दीवार बन रही थी लोगों ने बनने नहीं दिया उसमें सिक्योरिटी मिलना चाहिए पुलिस की तो मैं होम मिनिस्टर मिलने गया था लेकिन वहाँ गया तो मालूम हुआ कि होम मिनिस्टर साहब ने बुलाया है कमिश्नर साहब को और एंड ऑर्डर के मसले को बुलाया है तो मैंने मिला उनसे मैंने बताया कि ये सब चीज़ों पर ज़्यादा सख्ती किया जाए और सख्ती से निपटा जाए जो सही है वो काम होना चाहिए हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम आपने दिया है जिस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने पर जो है आपने शरबत पिलाने और उनके घर तक जो है शरबत पहुंचाने की बात कही है तो ये पैगाम जो है आपने दिया है रमज़ान के महीने में तो राज ठाकरे के ऐलान के बाद आपने ये पैगाम दिया है तो क्या पूरा मामला है देखिए मैं आज नहीं मैं तो हमेशा शायद नाइन्टी में जब एक बार और मसला उठा था कि मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ना बंद करो लाउड स्पीकर पर अजान बंद करो नहीं तो हम लोग जो है ना एक क्या अपना आ, आर्थी। महा आरती करेंगे हम लोग मस्जिदों के सड़क के ऊपर तो हमने कहा तो उस वक्त हमने कहा था शायद पवार साहब से जाके मिले थे हम लोग हमने कहा था कि देखिए मस्जिद आ, मस्जिदों के बाहर नमाज कोई नहीं पढ़ना चाहता है मस्जिद आप मस्जिदों के फसाई बढ़ जाए नई मस्जिदें बनना शुरू हो जाए तो लोग क्यों बाहर पढ़ेंगे नमाज़ अच्छा बाहर नमाज कितना पढ़ता है आदमी मैक्सिमम चार पाँच मिनट जब मस्जिद यहाँ नहीं सऊदी अरब दुबई बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ में जहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ भी मस्जिदें भर जाती हैं सड़कों पर लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं तो इसमें ये भाईचारगी है लोगों को तो करना चाहिए भाई हम चादर बिछा देते हैं नमाज पढ़िए आप अच्छा काम है कोई दारू थोड़े पीने आ रहे हैं कोई शराब बेचने नहीं आ रहे हैं कोई गुंडागर्दी नहीं है नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं और नमाज एक भाई एकता सिखाती है शराफत सिखाती है तो उस वक्त भी हमने कहा था कि जो महाआरती करना है ना मंदिर में कीजिए ना हम आएंगे मंदिर के बाहर आपको शरदत पिलाएँगे आपके साथ खड़े रहेंगे लेकिन आप सड़कों को घेर करके महाआरती कर रहे हैं आपकी मंदिर भरी नहीं आप मंदिर गए नहीं मंदिर में गए बगैर हम तो मस्जिद जाने के बाद जब मस्जिद भर जाती तब बाहर आते हैं तो ये तो एक सिर्फ एक झगड़े झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं आप उस वक्त हमने कहा था और हम हमेशा हमारी ये नेता और मैंने अभी मुंबई में कम से कम सौ जगह मीटिंग किया है और मुसलमानों से कहा कि रसूलुल्लाह का फरमान है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर तकलीफ़ में है तो तुम उसकी मदद करो तो मुसलमानों से कहा तुम जाओ अपने हिंदू भाइयों से कह दो कि भले आप बहुत सारे हिंदू हैं लेकिन सारे हिंदू घर में बैठे रहें अगर किसी हिंदू को रात में खून की ज़रूरत भी पड़ेगी तो हम मुसलमान अपना खून देकर आपकी हिफाजत करेंगे डर के नहीं कि हम किसी से डर के बोले हमारा हमारी शरीयत हमारे रसूल का ये फरमान है जि, जिससे हमें मरने के बाद भी इसका हमें अजर मिलेगा और दुनिया में भी हमारी मोहब्बत कायम रहेगी तो ये तो हम पहले से कर रहे हैं तो मैंने इसमें भी ये कहा कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो पढ़िए ना बहुत अच्छी बात है जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो अच्छा ही आदमी होगा गंदा आदमी तो होगा नहीं।, नहीं जो धर्म पर चलेगा वो अच्छा ही आदमी होगा तो अब पढ़िए हम आप अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए हम आपके साथ भाईचारगी का पैगाम देने के लिए एक हम शरबत पानी जूस लेकर आएंगे और आपको देकर आपसे गले मिलेंगे ताकि हमारी मोहब्बत कायम रहे लेकिन अब आप आप जो है हनुमान चालीसा मंदिर में नहीं पढ़ोगे और आप जा मस्जिद के सामने मस्जिद के लाउड स्पीकर जितना ज़ोर से बजता है उससे ज़ोर से बजाओगे मैं समझता हूँ ये सब खुराफा है ये बदतमीजियाँ हैं ये नहीं होना चाहिए तो ये सब चीज़ सिलसिला कहाँ जा कर रुकेंगे जिस तरह से आपने पीएम की बात की राज ठाकरे की बात कर रहे हो तो मुसलसल जो है वो लीडरान जो है वो इश्त अंगेजी पर आमदा होते तो कहाँ रुकेंगी ये सब ये अभी अभी इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा रुक जाएगी अभी इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा सब भूल जाएंगे फिर इलेक्शन आएगा ना फिर शुरू हो जाएंगे जैसे बरसात होती है ना तो मेडक टर टर करना शुरू करता है और बात बरसात खत्म हो नजर नहीं आता है तो ये अभी इलेक्शन आ रहा है कुछ दिन चिल्लाएंगे लोग और हार जाएंगे मुंह पिटा के जाकर घर में बैठ जाएंगे फिर ये थे अबू आजमी जी जो बता रहे थे कि हमें जो है आपस में भाईचारगी का पैगाम देना चाहिए इसीलिए अबू आसिम आजमी ने एक पहल शुरू कर रखी है रमज़ान के मुबारक महीने में उन्होंने अपने हिंदू भाइयों के लिए एक हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं उनके लिए शरबत तकसीम करने का अहतमाम किया है कोलाबा में यहाँ वो आकर शरबत भी पी सकते हैं और बाबाबा तौर पर अगर वो ऑर्डर करेंगे कि भाई ई मेल पर तो वो शरबत जो है उनके घर तक पहुँचाया जाएगा जहाँ के इंसाफ़ की खास मुलाकात